हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स. एज यू स्टूडेंट्स नो कि अभी हम लोग एमटीएस का सीरीज कर रहे हैं. एमटीएस में इस बार 2020 में जितने भी वोकैब आए हैं हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने आपको सिनोनिम्स करवा दिया है. नाउ लेट अस मूव टू एंटोनिम्स. ओके, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक हो गया, टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है क्योंकि पढ़ाने के बाद सारे पीडीएफ्स वहीं पर मिलेंगे. ठीक है, तो हमने सिनोनिम्स खत्म कर लिया. आई थिंक 42 सेट्स आया था एमटीएस में और हमने 84 वर्ड्स के करीब किए. नाउ लेट अस मूव टू एंटोनिम्स और ग्रेजुअली बारी बारी से हम लोग इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लेंगे. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट एंटोनिम. नैरो, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं और कई बार क्या होता है कि वो बहुत चलाक होते हैं, वो एंटोनिम पूछते हैं और ऑप्शन में सिनोनिम भी डाल देते हैं और आप स्टूडेंट्स हड़बड़ी में ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू टेंशन, एग्जाम एंजाइटी की वजह से व्हाट यू डू ना कि आप एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स करके आ जाते हो. तो नैरो का मतलब है कोई भी चीज़ बहुत थिन, संकीर्ण. तो नैरो का उल्टा क्या हो जाएगा? वाइड. वाइड हो जाएगा, आंसर इज वाइड. फर्म का मतलब तो एकदम दृढ़ निश्चय होगा. ओके, फर्म का मतलब है जो भी बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाला, टाइट और सॉलिड तो पता ही. नेक्स्ट, स्लाई. स्लाई लोग कौन होते हैं? स्लाई पीपल आर द पीपल हु आर वेरी कनिंग, बहुत चतुर होते हैं. दिस पीपल आर वेरी चतुर, वेरी चलहाँक, किसी को भी वेरी आर्टफुल होते हैं. कहानी बना बना के बहुत डिसेप्टिव होते हैं, कहानी बना बना के दूसरे को बेवकूफ़ बनाना. दिस पीपल आर वेरी क्राफ्टी, दिस पीपल आर वेरी स्लाई है, विली है, स्कीमिंग है. स्कीम बना बना कर दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं. ओके, तो ऐसे लोग, स्लाई लोग डिसऑनेस्ट होते हैं. तो डिसऑनेस्ट का उल्टा क्या हो गया? ऑनेस्ट. स्टिफ का मतलब तो जो लोग बहुत कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, बाकी तो पता ही है. जीलस, कई बार मैं आपको ये बताती भी हूँ. ओके, जीलस और जेलस. जेलस का मतलब तो ईर्ष्या हो गया. ओके, जेलस का मतलब ईर्ष्या हो गया और जील का मतलब है एंथुजियाज्म. जील नाउन है तो जील का मतलब एंथुजियाज्म है, तो उसी वर्ड से जीलस बना. जीलस का मतलब पर्सन आर द पर्सन हु आर वेरी एंथुजियास्टिक, जो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, एंथुजियास्टिक है, आर्डेंट होते हैं. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एब्यूलियंट होते हैं, बहुत उत्साह से भरे हुए, एफर्वेसेंट होते हैं, उत्साहित लोग. तो उत्साहित का उल्टा क्या होगा? इनडिफरेंट. हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं, ये याद रखना, एंटोनिम्स कर रहे हैं. इनडिफरेंट मतलब उदासीन. ओके, कोई अनकंसर्न. ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी लेवल इनकी हाई है. ओके, एंशियस का मतलब है किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित होना. ईगर तो इसका सिनोनिम्स हो गया. ईगर है किसी काम को करने के लिए, उत्साहित है, बट इन्होंने एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम में होगा इनडिफरेंट. इनडिफरेंट. नेक्स्ट वर्ड, स्लीक. होता है ना, जैसे आपका लैपटॉप बहुत स्लीक है, बहुत पतला है, बहुत स्लीक है, बहुत स्मूद है. कभी कभी आपका सेलफोन बहुत स्लीक होता है, बहुत पतला सा होता है, बहुत स्मूद होता है तो हाथ से फिसल जाता है. तो स्लीक का मतलब समथिंग विच इज़ वेरी थिन, पतला, स्मूद. स्मूद तो इसका उल्टा हो जाएगा. स्मूद तो इसका सिनोनिम हो गया. ओके, इसका एंटोनिम हो जाएगा वेरी डल. वेरी डल, वेरी रफ. रफ के सेंस में जाए. ओके, वैलियंट. वैलियंट तो अपने, वैलियंट मतलब बहुत बहादुर, बहुत गैलेंट है, बहुत बहादुर है, बहुत हीरोइक है. ओके, जो लोग बहुत बहादुर होते हैं. तो बहादुर का उल्टा क्या हो गया? कोवर्डली. हमें एंटेनिम करना है और देखो इन्होंने गैलेंट सिनोनिम भी डाला हो गया और एग्जाम की हड़बड़ी में आप क्या करोगे? एंटेनिम की जगह सिनोनिम करके आ जाओगे. बट सिनोनिम नहीं चाहिए, हमें एंटेनिम चाहिए. बैरन का मंजर, तो बैरन का मतलब होता है बंजर, नगेटरी, इनफर्टाइल. ठीक है, फ्रूटलेस. तो ये तो होगा नहीं, अब वर्दी तो लाए. आंसर इज कोवर्डली. एंटोनिम्स है कॉम्प्लेक्स. कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल, बहुत घुमावदार, बहुत सिंपल नहीं है वो. तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोई भी चीज़ बहुत क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा सिंपल. नॉटी का मतलब भी है गांठ पे गांठ है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक. मोटले का मतलब मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स. स्टेबल. स्टेबल का मतलब है, स्टेबल का मतलब है बहुत स्थिर, बहुत स्टेडी, बहुत ज़्यादा स्थिर, बहुत ज़्यादा स्टेडी है, स्टेबल है. तो ये इसका सिनोनिम्स है, हमें नहीं चाहिए. ये तो शेकी होगा, बहुत स्थिर नहीं है. स्टेबल का मतलब एकदम कॉन्स्टेंट है, एकदम स्टेबल है. और शेकी का मतलब होता है जो चीज़ फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, तो आंसर इज दिस. एफिशिएंट,
ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट पर्सन. एफिशिएंट पर्सन का मतलब होता है बहुत योग्य, और ये तो आइडल है, डल है, डल एंटोनिम है. ब्लेम, ब्लेम करना, किसी पे दोष लगाना, ब्लेम करना, रिब्यूक करना, क्रिटिसाइज करना, सब इसका सिनोनिम्स हो गया. हमें एंटोनिम्स चाहिए, तारीफ करना. रिडिक्यूलस, इट इज अ रिडिक्यूलस स्टोरी. रिडिक्यूलस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इनसेंसिबल, बिना सर पैर की बातें करते हो. इनसेंसिबल है, इलॉजिकल है, वेरी फुलिश, इलॉजिकल, इनसेंसिबल, अनरीजनेबल, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई तर्क नहीं है. तो आंसर इज रीजनेबल, एंटोनिम है. फ्लिमसी, फ्लिमसी बताया है. फ्लिमसी याद करने का तरीका क्या बताया था? लिमसी. अभी कोविड जब आया था तो इम्यूनिटी लोगों की कम थी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग लिमसी खा रहे थे. लिमसी विटामिन सी टैबलेट से, तो जो लोग फ्लिमसी है वो लिमसी टैबलेट खा रहे थे. तो फ्लिमसी का मतलब होता है ना बहुत वीक, ओके, वेरी एलिंग, वेरी नाजुक. इसका उल्टा क्या है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग. डिफेंस, ये तो कर लो. डिफेंस का मतलब है गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, सिनोनिम्स है, सिक्योरिटी देना, और ये तो ऑफेंस. ठीक है. कॉन्फर्म, कन्फर्म करना किसी चीज़ को, कन्फर्म करना, सुनिश्चित करना, पक्का करना, कन्फर्म करना, एग्री करना, सब सिनोनिम्स है. और इसका उल्टा हो गया रिजेक्ट करना, रिजेक्ट. एंड इजी है, जिसके भी सेट में आया है ना, कुछ कुछ ईजी आ गया था. सिनोनिम्स तो थोड़े अच्छे भी आए, एंटोनिम्स और भी इजी आ गए. एंड करने का उल्टा क्या है? स्टार्ट करना, स्टार्ट. ये सब मेरे वाले वोकैब नहीं है, ये जो एग्जाम्स में आए हुए वोकैब है वो है, इजी है. प्रोटेक्ट करना, किसी को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करने का उल्टा हार्म करना. हार्म किसी किसी के सेट में ना अच्छा भी आ गया था. लकी आर द वंस जिसके सेट में इजी वाले आ गए. कंटेंटेड, यू आर कंटेंटेड, वी शुड बी कंटेंटेड विथ वॉट एवर वी हैव. कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, इसका उल्टा क्या होगा? डिससेटिस्फाइड. फ्रेंड, फ्रेंड्स एंड फोर्स, फ्रेंड्स एंड फोर्स. फ्रेंड्स का मतलब तो पता ही है, दोस्त, और ये है दुश्मन. फो का मतलब होता है एनिमी, एनिमी. इसको वो से कंफ्यूज मत करना, वो का मतलब होता है दुख दर्द सफरिंग्स, ओके. दोस का मतलब होता है सफरिंग्स, दुख दर्द, ट्रिब्यूलेशंस, दुख दर्द, हार्डशिप्स. नेक्स्ट, क्लियर, समथिंग विच इज वेरी क्लियर. क्लियर है मतलब क्लीन है, तो इसका उल्टा क्या होगा? मकी. मकी का मतलब होता है मडी, जैसे मकी वाटर. मकी वाटर मतलब बहुत ज़्यादा पानी, मटमैला, ओके, गंदगी वाला जो पानी होता है, जो क्लियर नहीं होता है पानी, मकी हो जाए. फेक, इजी है, तो एंटोनिम्स तो बहुत इजी इजी आ गए. फेक का मतलब तो नकली हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, एपोक्रिफल हो गया, समथिंग विच इज़ फेक, समथिंग विच इज़ काउंटर फीट, नकली, धोखा, धोखा, फी आई टी, सोफिस्ट्री, ये तो मैंने करवाया है. सोफिस्टिक नेरी, सबका मतलब है फॉल्स. फॉल्स का उल्टा क्या है? जेन्युइन. हमने तो अच्छे अच्छे वर्ड्स किए, हमने तो इस लेवल के वर्ड्स किए हैं, इन्होंने भी ईजी पूछ दिया. मिजरेबल, ही इज़ इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन. मिजरेबल कंडीशन मतलब बहुत दयनीय हालत में है, तो मतलब बहुत खुशी वाले, खुशी, खुश है, खुश है, चीयरफुल है. बाकी सारे सिनोनिम्स. नेग्लेक्ट करना, ओके, किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, इग्नोर करने का केयर करना, ओके. उसी लिए मैंने एंटोनिम्स सोचा ना कि लाइव ना आके आपको रिकॉर्डेड करवा दूँ, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी हो जाए. रिमोट, एक तो रिमोट एरियाज होता है, रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज मतलब दूर दराज के एरियाज, फार ऑफ वाले एरियाज, फार ऑफ, डिस्टेंट, जहाँ बेसिक सुविधाएं कम है. तो रिमोट का मतलब है फार, तो इसका उल्टा क्या है? क्लोज. एक रिमोट का मतलब कम भी होता है. इस स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत रिमोट है, रिमोट है मतलब बहुत कम है, वेरी लेस. टार्डी, टार्डी तो का मतलब तो पता है, टार्डी मतलब बहुत थका हुआ, बहुत डीले, काम को एकदम टार्डी कर दिया, डीले, जानबूझकर किसी चीज़ को डिले करना, लेट से करना, इनएक्टिव रह के. तो इसका आंसर अर्ली, जल्दी ही कर लेना. अप्रोच, ये भी इजी है, किसी को अप्रोच करना, किसी के पास जाना, अप्रोच करना, और ये तो किसी से अवॉइड करना. हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं, याद रख. सीज, सीज का मतलब होता है स्टॉप, हॉल्ट का मतलब भी स्टॉप, तो इसका उल्टा क्या हो गया? स्टार्ट.
ओके तो मुझे वर्ड पावर ये थोड़ा सा इजी लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसका रिकॉर्डेड ही बना दूँ, आपका लाइफ में टाइम वेस्ट ना हो। सटल, चलो ये सब में थोड़ा हमारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। सटल का दो मतलब होता है, ठीक है। एक सटल का मतलब होता है ना वेरी सूक्ष्म, वेरी फाइन डिफरेंस, वेरी न्यूएंस। आज ही मैं किसी बैच में पढ़ा रही थी सूक्ष्म, मतलब दोनों के बीच में ना अ वेरी फाइन लाइन, अ वेरी फाइन, बहुत सूक्ष्म, वेरी फाइन डिफरेंस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हार्श। इसका उल्टा हार्श, ये हो सकता है गलत करके आ सकते हैं। ओके, क्राफ्टी का मतलब तो बहुत चालाक लोग होते हैं। डेलीबरेट, कोई भी काम आप डेलीबरेटली कर रहे हो, डेलीबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल। कोई भी काम डेलीबरेट कर रहे हो, जानबूझकर कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, और ये तो सोच समझ के कर रहे हो जानबूझकर, और ये तो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, आपने कोई प्लान नहीं किया था, अनप्लान्ड है, अचानक से हो गया। नेक्स्ट परमानेंट, परमानेंट का टेम्प्रेरी, इजी है। फटीग, फटीग का मतलब होता है थका हुआ, थक मतलब टायर्डनेस, बहुत फटीग है, बहुत थका हुआ है, बहुत कमजोर, टायर्ड फील कर रहा है, ये तो फुल ऑफ एनर्जी फील कर, स्ट्रेंथ। अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब है जो कभी कभार होता है, वेरी रेयर, जो यूजुअल नहीं है, जो कभी कभार होता है, और इसका उल्टा क्या हो गया? ये तो कॉमन हो गया, रेयर तो इसका सिनोनिम्स हो गया, मैं एंटोनिम्स कर, ठीक है। तो फटाफट 30 वर्ड्स मैंने कर दिया है, और किसी दिन और पूरा वर्ड्स कवर करवा दूंगी। ये मैंने इसलिए रिकॉर्डेड डाला कि आपको टाइम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। अब ये सब तो बैचेस के बारे में है, मॉक टेस्ट दे देना, अन अकेडमी पे हर संडे के संडे मॉक टेस्ट चलता है, अक्सर बताते रहती हूँ ना। मैक्सिमम बच्चे जब फ्री मिल रहा है ना कोई चीज़, छोड़ना नहीं है। हर संडे को मैं मॉक्स करवाती हूँ अन अकेडमी पे, संडे के संडे, तो इस मॉक्स को ज़रूर देना। ओके, 8 PM में होता है, मॉक्स से जुड़ जाना, इस संडे 21st को भी होने वाला है। तो मॉक दोगे मेंस वाले बच्चे या जिनकी सिलेबस पूरी हो गई है, और बहुत सारे बैचेस भी है। देखो फ्रेजल वर्ब का नया बैच शुरू हुआ है, वोकैबुलरी और स्पॉटिंग एरर का भी बैच है, आपका पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट का बैच है, और क्या चाहिए आपको? डिस्क्रिप्टिव का भी बैच हुआ है, CGL और CHSL वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिस्क्रिप्टिव का भी बैच हुआ है, और नेक्स्ट मंथ में एक फाउंडेशन बैच आ रहा है, 10 December से एक फाउंडेशन बैच आएगा, और वो क्या आपका समुद्र मंथन आएगा। इतने सारे बैचेस हैं, और सारे बैचेस में आपको अलग अलग एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, चलो स्पेस बनता है, ये सारे बैचेस है। अन अकेडमी का आज का डाउट है, हाँ सारे बैचेस में अलग अलग नहीं लेना है, बस आपको ये कोड यूज़ करना है रानीटेन, ये तो सबको पता ही है। ये कोड यूज़ करके एडमिशन लोगे तो क्या होगा, एक साल में आपका, एक साल का लोगे तो 4 months एडिशनल मिल जाएगा, 2 साल का लोगे तो 8 months मिल जाएगा एडिशनल। और इस कोड पे आपको, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बैचेस ही मिलेंगे, आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी बैचेस है सारे मिल जाएंगे। और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे फ़ोन कर लेना, 9540809387 और 7627039884। ये सब आपको गाइड कर देंगे अन अकेडमी के एडमिशन्स के, और ये अन अकेडमी पे टेस्ट सीरीज है, अच्छे से देख लो, सबके लिए फ्री है। अन अकेडमी पे रेज योर हैंड ऑप्शन भी है, हर संडे के संडे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है, आप दीजिएगा, वहाँ भी एक कोड मांगेंगे, अनलॉक कोड मांगेंगे, वहाँ डाल दें इस टेस्ट, इस कोड को यूज़ करोगे जब भी आप एडमिशन लोगे, तो आपको इस कोड पे आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।